सूर्य नगरी में एक बार फिर कोहरा छा गया है। रविवार को सुबह पूरा शहर कोहरे की आगोश में रहा। वहीं ठंडी हवाओं के चलने से यहां तापमान में भी गिरावट आ गई। बर्फीली हवाओं के कारण शहरवासियों की धूजनी छूट गई। बीकानेर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और अब उनके साथ अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं। बीकानेर में रविवार को किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए श्रमिक नेताओं और कर्मचारी नेताओं ने बैठक को आयोजित की। कर्मचारी मैदान में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों की बैठक में श्रमिक नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोध बताया। जोधपुर जिले की बाप पुलिस ने बड़ी सीट स्थित एक ढाबे पर दबिश देकर 49,800 नशीली गोलियां व 23 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया और साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ढाबे से कालू राम उर्फ शंकरलाल सेन को गिरफ्तार कर दो बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया। ढाबा संचालक फरार हो गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि यहां हाईवे से निकलने वाले वाहन चालकों को नशीली गोलियां व डोडा पोस्ट बेचा जाता था। बीकानेर में नई एएसपी प्रीति चंद्रा के कार्यभार संभाल लेने के बाद से थानों की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। बीते महीनों में बड़ी आपराधिक घटनाओं के कारण बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र में एक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर घर में सो रही एक युवती को उठा ले गया। यह युवती से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। बदमाशों ने युवती की मां की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर झोंक दिया और युवती को उठा ले गए और वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को मकान में बंद कर दिया। युवती के अपहरण के कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने चंदन सिंह, जसवंत सिंह और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बुलेरो गाड़ी जब्त की। बीकानेर में कोटगेट के समीप स्थित मिठाई की प्रतिष्ठान लालचंद जुगल किशोर दुकान के छज्जे में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इससे दुकान के ऊपर की तरफ रखे मिठाई के डब्बे और कर्टन सहित सामान खाक हो गया। डूबतों को बचाने के पूर्वाभ्यास के दौरान तख्त सागर में डूबे सेना की 10 पैरा यूनिट के कैप्टन अंकित गुप्ता का चौथे दिन में बाहर नहीं निकाला जा सका। सर्द हवाओं के बीच ठंड में 100 से अधिक पारंगत गोताखार अनवरत तलाश पे जुटे हैं, लेकिन कैप्टन का कोई पता नहीं लग पाया। बीकानेर में मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण नहीं होने से कार्मिकों में आक्रोश है। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर हुंकार रैली निकाली जाएगी और इसकी तैयारी को लेकर रविवार को प्रदेश प्रवक्ता सागर पांचाल ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जोधपुर शहर की वार्ड संख्या 3 में नगर निगम की बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण करवाने पर 4 दुकानों को सीज करने की कार्यवाही की गई। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल के सामने रूपनगर में सीज की कार्यवाही की गई है। अनुव्रत समिति द्वारा DRM गीतिका पांडे का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। संयोजक नितेश जैन ने बताया कि DRM गीतिका पांडे द्वारा रेलवे ट्रैक पर जो जानवर कटकर मर जाते हैं उन्हें बचाने की एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में उन जानवरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो एक सराहनीय कदम है। मुहिम शुरू करने के लिए उनका अभिनंदन किया गया। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की विशेष वार्षिक बैठक में नव वर्ष मिलन समारोह सूरसागर स्थित बड़ा राम द्वारा में महंत राम प्रसाद महाराज एवं संरक्षक डॉक्टर नागेंद्र शर्मा के सानिध्य में हुआ। बैठक में पिछले वर्ष के सेवा कार्यों की समीक्षा करते हुए कोविड काल की कठिनाइयों और अनुशासनों के बीच आगामी सेवा कार्यों के लिए विशेष योजना बनाई गई। जोधपुर के कायलाना रोड से संबोधि धाम में 108 पार्श्वनाथ महापूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 108 मनोहारी प्रतिमाओं का अभिषेक एवं अष्ट प्रकारी पूजन किया गया। समारोह में भगवान का पालना श्रद्धालुओं द्वारा झुलाया गया। पूजन के अंत में श्रद्धालुओं द्वारा 27 दीपों से महाआरती की गई। नगर निगम आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव ने सीमांची गेट गैराज का आकस्मिक निरीक्षण किया और देर से आने वाले कर्मचारी को समय पर पहुंचने की हिदायत दी और साथ ही गैराज से निकलने वाले वाहनों के समय भी नोट किए। आयुक्त सुबह ही सीमांची गेट स्थित गैराज पहुंच गए और उपस्थिति पंजिका को चेक किया। जोधपुर एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक व्यक्ति के पूर्ण कटे हाथ को सफलतापूर्वक जोड़ने का कार्य किया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र काला ने बताया कि इम्तिहास फैक्ट्री में कार्य कर रहा था और उसी समय दाएं हाथ पर काम के दौरान मशीन गिर गई। मशीन गिरने से पूरा दाया हाथ कलाई तक शरीर से अलग हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले कटे हाथ के साथ तुरंत उसको एम्स के
आपातकालीन विभाग लेकर आए और यहां पर ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा हड्डी को जोड़ा गया। बीकानेर में सर्दी बढ़ने के साथ ही चोर गिरह सक्रिय हो गया है। लोग घरों में दुबके हैं। पुलिस की गश्त खानापूर्ति साबित हो रही है। शनिवार की रात को चोरों ने बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थल मुकाम के जम्बेश्वर मंदिर में चोरी की वारदात की। चोर यहां से दान पात्र से लाखों रुपए चुरा कर ले गए। चोरों की करतूत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।